नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज चैनल से। 2023, जी हाँ, निकाय चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं और काशीपुर में आप देख ही पा रहे होंगे कि लगातार जो है तैयारियां अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने शुरू कर दी है। वहीं बात करें पार्टी के नेताओं को छोड़ के एक पर्टिकुलर समाज की, हम इस समय बात कर रहे हैं पर्वतीय समाज की। काशीपुर में पर्वतीय समाज का एक ही कह सकते हैं एसोसिएशन या संस्था है जो पर्वतीय समाज को कहीं ना कहीं प्रतिनिधि, जो उसका प्रतिनिधित्व करती है। और आज हमारे बीच में उस संस्था के अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनसे आज हम एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। दरअसल में सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मैसेज ये लिखा हुआ है कि पर्वतीय समाज चाहे तो अपना एक खुद का, क्योंकि वो इतना वोटिंग या मतदाता रखती है काशीपुर के अंदर, कि वो अपना मेयर प्रतिनिधि खड़ा कर सके और चुनाव जीत सके। तो ऐसा कोई मैसेज क्या समाज द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, या फिर आगामी चुनाव को लेकर कुछ तैयारी पर्वतीय समाज कर रहा है, इसी विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं। स्वागत है सर अगला निश्चल में आपका। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर, जैसे कि अभी हमने भी आपको बताया, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज है 2023 के निकाय चुनाव जो है उसमें तैयारी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्वतीय समाज का एक संगठन है देवभूमि पर्वतीय महासभा। देवभूमि पर्वतीय महासभा यहाँ काशीपुर में सभी पार्टियों में उसके सदस्य है, कांग्रेस में, बीजेपी में, उत्तराखंड क्रांति दल में, वो सभी इसके सदस्य है। और देवभूमि पर्वतीय महासभा सबसे पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। और राजनीति क्षेत्र में इसने कभी कोई काम किया भी नहीं है और ना आगे ये ऐसा काम करेगी, क्योंकि ये काम राजनीतिक दलों का है। और जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि पर्वतीय समाज मेयर की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो यह है काशीपुर शहर आज बहुत बड़ा शहर है। यहाँ कोई भी समाज अगर ये सोचे कि हम अपना मेयर बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। पूरा शहर मिलके जिसको भी उचित समझे उसको अपना मेयर बनाएंगे, और मुझे लगता है कि अच्छा मेयर बनेगा जब पूरा शहर सोचेगा। पर्वतीय समाज की सोचने से मेयर नहीं बन पाएगा। और हम देवभूमि पर्वतीय महासभा की तरफ से ये भी कहते हैं कि हम किसी मेयर के लिए किसी भी प्रकार का दावेदार खड़ा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज इतना हो सकता है कि कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पर्वतीय मूल का किसी व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पर्वतीय समाज हमेशा काशीपुर में, चाहे वो सांसद या विधायक या मेयर, जो भी व्यक्ति उन्हें उचित लगा है, विकास के कार्य में आगे लगा है, उसका साथ देते आ रही है। तो पार्टी में भी समाज के हित में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और पार्टियाँ क्या सोचती हैं ये तो वो पार्टियाँ अपने हिसाब से सोच के काम करेंगी। इस मैसेज को लेकर मेरा कहना यह है कि काशीपुर में देवभूमि पर्वतीय महासभा एक सामाजिक संगठन है, और देवभूमि पर्वतीय महासभा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति सबसे पहले काशीपुर का विकास चाहता है। काशीपुर की जो हालत इस वक्त है, उस हालत में सुधार हो, यह हम, ये हर व्यक्ति इस चीज को जानना चाहेगा। हमारे यहाँ काशीपुर में पर्वतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं, लगभग 30,000 के आसपास जैसे बताया गया है वो हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट दावा अभी तक किसी का नहीं है कि हम अपना प्रत्याशी जिता के ले जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से ये बात आती है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति ऐसा जो समाज के हित में काम करता हो, समाज के साथ रहता हो और समाज के दुख दर्द को जानता हो और काशीपुर की प्रगति में सहायक हो, अगर वह हमें अप्रोच करता है तो पर्वतीय मूल का हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ने को तैयार होगा। हम किसी पार्टी विशेष से या किसी सभा विशेष, समाज विशेष से हम कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ का विकास करना, अपने लोगों का विकास करना और सर्वधर्म समुदाय की विकास को आगे बढ़ाने की हम लोगों की भावना है,
और इसीलिए काजीपुर में पर्वतीय महासभा का यहाँ पर गठन किया गया है। हमारे यहाँ काशीपुर में इससे पहले पर्वतीय सभा के, पर्वतीय समाज के बहुत सारे संगठन थे। हमारा प्रयास ये रहा कि हम इन सब संगठनों को एकजुट करके एक स्थान पर लाएं, अपनी आवाज को उठाएं और काशीपुर के विकास के लिए हम अपना योगदान सामाजिक रूप से इस प्रकार से दें। तो इसलिए अगर कोई समर्थवान व्यक्ति आता है, कोई योग्य व्यक्ति आता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पर्वतीय समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका समर्थन करे और करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज के हित में रहेगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।